सो हेलो गाइस, इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप खुद का अपना लिंक शॉर्टनर या फिर यूआरएल शॉर्टनर बना सकते हो। तो मेरे पास ये डोमेन है fiveyn.site, इस वाले डोमेन पे ही मैं अपना खुद का यूआरएल शॉर्टनर बना के दिखाने वाला हूँ। तुम भी सेम टू सेम इसी तरह से बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये PHP की स्क्रिप्ट चाहिए होगी जिसका नाम है प्रीमियम यूआरएल शॉर्टनर। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से जाकर तुम इस स्क्रिप्ट को परचेज़ कर सकते हो बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे। अब इसके बाद में सिंपली अपने होस्टिंग में जाओ एंड उसके बाद में जिस भी डोमेन पर बना रहे हो तुम्हें उसके फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो सिंपली फाइल मैनेजर में पहुंच जाना, ठीक है, अगर तुम cPanel यूज़ कर रहे हो और होस्टिंगर कर रहे हो तो मेरी तरह ही सेम करना। फिर उसके बाद में public_html में जाना एंड उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं उन सभी को तुम्हें डिलीट कर देना है सिलेक्ट ऑल करके। फिर तुम्हें एक फ़ाइल अपलोड करनी है जो कि हमारी स्क्रिप्ट है, ठीक है, प्रीमियम यूआरएल शॉर्टनर की। उस जिप को तुम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना जो तुमने परचेज़ किया। उसके बाद में इस जिप को तुम्हें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वन फोल्डर करके इसमें एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ एंड देखो यहाँ पे ये सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इस जिप को तुम डिलीट कर देना जब एक्सट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने फोल्डर के अंदर जाओ एंड ये जो सारी फाइल है इनको सिलेक्ट ऑल करने के बाद में सिंपली public_html में पेस्ट कर दो, ठीक है, रूट फोल्डर में public_html वाले फोल्डर में डिलीट कर पेस्ट कर दो। उसके बाद में जो एक है जो फोल्डर बेकार का, ठीक है, उसको डिलीट कर देना। अब यहाँ पे सारी फाइल हमारी आ चुकी हैं। अब सिंपली हमें अपना फाइल मैनेजर को कर देना है कट, मतलब क्लोज कर दो। उसके बाद में तुम्हें जाना है अपने डाटाबेस वाले सेक्शन में, MySQL डाटाबेस होता है cPanel पे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अब तुम्हें डाटाबेस बना लेना है। तो मैं यहाँ पे डाटाबेस का नाम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड बिल्कुल सेम टू सेम रख रहा हूँ। तुम चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे पासवर्ड अब अलग कर लिया, ठीक है। तो तुम यूज़र नेम और अपना डाटाबेस का नेम सेम रख लेना, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट कर लेना और इन तीनों चीज़ों को भाई बिल्कुल ध्यान से रखना बिकॉज इसके बगैर तुम बना ही नहीं पाओगे। तो डाटाबेस का यूज़र नेम, नाम और पासवर्ड हमारा बन चुका है। अब सिंपली तुम्हें अपना डोमेन ओपन करना है, ठीक है, सर्च करना है एक नए पेज में। उसके बाद में देखो इस तरह का सारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ठीक है, इस तरह का। सिंपली तुम्हें अब यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पे तुम्हारी की ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी जो कि जिप में इनबिल्ट होती है, जब तुम परचेज़ करोगे वहीं पे की ऑटोमेटिकली लगी रहती है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे इनवाइट ऑफ परचेज कोड अपने आप लग जाएगा, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आएगा डाटाबेस डालने के लिए। तो यहाँ पे डाटाबेस होस्ट जो होता है वो सभी का 127.0.1 होता है, जिसको लोकल होस्ट भी कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे तुम्हें सेम टू सेम मेरी तरह ही डाल देना है, भले ही तुम cPanel यूज़ कर रहे हो या कोई और। उसके बाद में तुम्हें यहाँ पे अपने डाटाबेस का जो नाम और यूज़र नेम दोनों डाल देने जो अभी हमने बनाए थे एंड पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद में सिंपली देखो यहाँ पे वही सेम टू सेम मैंने यूज़र नेम का डाटाबेस का यूज़र नेम, नेम और पासवर्ड सेम टू सेम डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाना है एंड प्रोसीड पर तुम्हें क्लिक कर देना है। ध्यान रखना जो तुमने अभी बनाए थे सेम टू सेम वही डालना है। अब यहाँ पर तुम्हें अपने एडमिन यूज़र जो होता है, ठीक है, एडमिन के अपने पासवर्ड और ईमेल डाल लेने हैं, बना लेने हैं। यूज़र एडमिन के आईडी पास बनने के बाद में इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा यूज़र का पासवर्ड और एडमिन, अभी मैंने फ़िलहाल यही बनाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो सिंपली तुम मेरा यूज़ मत कर लेना, मैं तो बाद में इनको चेंज कर दूंगा, ठीक है। फिर वेरीफाई योर साइट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे तुम्हारी जो वेबसाइट होगी, तुम्हारा जो लिंक शॉर्टनर होगा, आपका जो URL शॉर्टनर होगा वो यहाँ पे बनकर आ जाएगा। अब कोई नया यूज़र आकर यहाँ पे आपके लिंक शॉर्टनर पे अपना अकाउंट बना सकता है, रजिस्टर कर सकता है, यहाँ पे अपने लिंक को शॉर्ट कर सकता है। देखो जैसे मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे QR कोड भी आता है बनके। उसके बाद में तुम्हारा जो लिंक होगा जो भी शॉर्ट करेगा, सिंपली देखो इस तरह का बन जाएगा। अब मैं इसको शॉर्ट करने के बाद ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो ये हो गया ओपन। तो ये है scriptcard.in, इस वाली वेबसाइट से ही मैंने इस शॉर्टनर की, लिंक शॉर्टनर की स्क्रिप्ट को परचेज़ किया है। तो तुम भी यहीं से परचेज़ कर लेना, ठीक है, वरना मैं तुम्हें डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेज़ कर लेना, डायरेक्टली खुल जाएगी, ठीक है। यहां पे तुम्हें URL शॉर्टनर या लिंक शॉर्टनर आकर सर्च कर लेना scriptcard.in पे, ठीक है। चलो अब मैं दिखाता हूं कि जब कोई यूज़र अपना अकाउंट बना लेगा आपके लिंक शॉर्टनर पे आके और वो लॉगिन करेगा, तो सिंपली देखो यहाँ पे मैंने अपने आईडी पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, एज ए यूज़र डाल रहा हूँ मैं, लॉगिन करूँगा क्योंकि मेरे जो एडमिन पैनल वाले हैं वो ही चल जाएंगे। तो यूज़र का इंटरफेस ये है और अपने एडमिन पैनल में जाने के लिए यहाँ पे तुम्हें एडमिन पैनल दिखेगा, सिंपली तुम्हें उस पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ एक और तरीका है अपने एडमिन पैनल में जाने का, अपने डोमेन के आगे सिंपली एडमिन लिख देना /admin और लॉगिन कर लेना, अपने आईडी पासवर्ड जो स्टार्टिंग में बनाए थे, ठीक है, बीच में वही डाल देना। अब ये रहा हमारा एडमिन पैनल फाइनली एंड यहाँ से हम किसी भी यूज़र को मैनेज कर सकते हैं, किसी भी यूज़र का डाटा चेक कर सकते हैं कि उसने कितने लिंक शॉर्ट करे हैं। यहाँ पे तुम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना, ईमेल वगैरह सब कुछ भर लेना। तो लो अपना लिंक शॉर्टनर बन के पूरी तरह से रेडी हो चुका है।
और सिंपली तुम भाई यहाँ से किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सकते हो, यूज़र की क्या एक्टिविटी है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। अपना रिडायरेक्शन ऐड कर सकते हो, बिकॉज तुमने देखा होगा बहुत सारे लिंक शॉर्टनर है जो रिडायरेक्शन ऐड करते हैं, वो भी तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो। सारे ऑप्शन को इजीली भाई चेक करके देखना अपने हाथों से, ठीक है, एडमिन पैनल से। ये यूज़र पैनल है जो फिलहाल मैंने अभी खोला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। बाकी हर एक चीज़ यूज़र की एक्टिविटी को तुम अपने एडमिन पैनल के थ्रू मैनेज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। वो क्या कर रहा है, जो भी यूज़र आपके अकाउंट पर रजिस्टर करेगा, आपके लिंक शॉर्टनर पर रजिस्टर करेगा, उसकी हर एक एक्टिविटी को तुम एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हो। और अगर तुम नहीं बना पाते हो अपना खुद का लिंक शॉर्टनर, URL शॉर्टनर, तो आप हमें हायर कर सकते हो, हम आपको बना कर दे देंगे, बस आप हमारा पेमेंट कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।